मार्केट टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से हम आपको प्याज के दामों का हाल बताएंगे कि प्याज के दामों में क्या वृद्धि हुई है, क्या कमी आएगी। पूरा सटीक विश्लेषण हम आपको प्याज के एक ऐसे एक्सपर्ट व्यक्ति से कराएंगे जो दिल्ली आज़ादपुर मंडी के प्याज और आलू की एसोसिएशन के महासचिव हैं, राजेंद्र शर्मा जी से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने प्याज के दामों को लेकर कुछ अनुमानित तौर पे अपनी बातें रखी हैं। तो आइए बात करते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी के आलू और प्याज एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र शर्मा जी से। जी सर, मार्केट टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। सर, प्याज के अब फिलहाल के क्या रेट हैं और कितनी आवक चल रही है मंडी? प्याज फिलहाल 25 रुपये से 35 रुपये बिक रहा है काफ़ी टाइम से। जब ज़्यादा आता है तो रुपये 2 रुपये कम हो जाता है, जब कम आता है तो रुपये 2 रुपये बढ़ जाता है। 25 से 35 के बीच में ही खेल रहा है। आमदन आज जो है यहाँ 36 गाड़ी है, कल 34 थी, परसों 21 थी। और वो 21 भी इसलिए थी कि हमारे मुसलमान भाइयों का एक बड़ा त्यौहार था कल, तो इतने बड़े त्यौहारों के आगे एक दो दिन आगे पीछे बाज़ार में डिस्टर्बेंस आती है और एक दो दिन में फिर बिक्री भी बढ़ जाएगी, बाज़ार भी वही है। तो 25 से 35 रुपए का प्याज का बाज़ार है। मैक्सिमम जो सेलिंग है ना वो 30 रुपए से 32 रुपए तक की है, जो मैक्सिमम बिक रहा है। कहाँ कहाँ का प्याज आ रहा है सर? प्याज 3 राज्यों से आ रहा है, महाराष्ट्र, MP और राजस्थान। अगर MP की बात करें तो क्या रेट चल रहा है MP? रेट सबका करीबन एक सा है, सिर्फ क्वालिटी के ऊपर है। क्योंकि हर राज्य में अब किसान काफ़ी प्रगति कर चुके हैं, अच्छे अच्छे बीज लगाने लगे हैं, समय से दवाइयाँ पानी वगैरह मिल जाता है, सबके ट्यूबवेल लग रहे हैं। तो जो बढ़िया प्याज कहीं का भी है वो 1300 से कम नहीं है। और जो पूना की बात करें, नासिक भी 1300 रुपये के अंदाज में बिक रहा है और पूना जो है 1300 से 1400 बिक रहा है। जो बहुत बढ़िया स्पेशल बना के अगर कोई MP का भेज देगा वो भी 1400 बिकेगा। राजस्थान का जो पूना साइड का बीज लगाया है, अगर कोई उसे पूना की तरह ग्रेड करके भेज देगा तो वो भी 1400 का बिकेगा। अब हर राज्य में अच्छा प्याज अधिकतर उगने लगा है, तो इसलिए उनके दाम हल्के के ही कम होते हैं। पूना वाले कम इधर नहीं भेजते, और जगह भेज देते हैं, MP ये और राजस्थान, वो दिल्ली में हल्का भी भेज देते हैं, जो कि नहीं भेजना चाहिए। छोटी मंडियों में भेजना चाहिए, वहाँ उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। दिल्ली जैसी बड़ी मंडियाँ जो हैं शहरों की, उनमें अच्छे माल, ग्रेड माल भेजेंगे तो पैसे कमाएंगे। किसान और व्यापारी भाइयों के लिए क्या मैसेज देंगे कि अभी प्याज को रोक कर रखें या फिर धीरे धीरे बेचते रहें, क्या बाज़ार की स्थिति रहने वाली है? देखिए, प्याज तो धीरे धीरे बेचना चाहिए पर घबराना नहीं चाहिए। अगर रोकेंगे तो घबराएंगे बाद में। मैं ये मानता हूँ कि करीबन 15 दिन से लेके 1 महीने तक कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं करेगी प्याज को। अगर प्याज के अंदर कोई भी आमदन चाहे बाहर से चाहे देश से शुरू होगी तो 1 महीने के बाद होगी। इक्का दुक्का गाड़ी की तो मैं कभी भी कोई कर सकता है, लेकिन जिस चीज़ को कंसीडर किया जाए या जिससे फ़र्क पड़े, ऐसा कोई भी सामान मैं तो ये मानता हूँ कि 20-25 दिन से पहले नहीं आने वाला। मतलब कुछ अनुमान है लोगों का कि कुछ लोगों से ट्रेडर्स से बात हुई कि सावन के बाद फिर तेज़ी आएगी प्याज में? देखिए, तेज़ी जो सावन के बाद बता रहे हैं, भगवान करे ऐसा ही हो, मेरा भी यही कारोबार है, तेज़ी हो, बहुत तेज़ी हो, परंतु मुझे लगता नहीं है। इसके मेरी नज़र में 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि सावन के बाद जो अफ़गानिस्तान का प्याज है वो अगर थोड़ा सा भी तेज़ होगा तो आना शुरू हो जाएगा काफ़ी मात्रा में। दूसरा, सरकार एक्सपोर्ट नहीं खोल रही, तो जो प्याज एक्सपोर्ट होना था वो नहीं हो रहा। इसका मतलब कि जो प्याज घटना चाहिए था वो नहीं घट रहा, तो दूसरे शब्दों में बढ़ रहा है। और तीसरा, प्याज तेज़ है साउथ में, अब लगने का टाइम आ गया है और इस भाव में लोग बहुत प्याज लगाएंगे। अगर उनकी फसल किसी कारणवश खराब नहीं हुई तो अगस्त आखिर तक आ जाएगी और जुलाई चल रहा है, अगस्त आखिर में अगर प्याज उनकी आ जाती है सितंबर शुरू में तो तेज़ी कहाँ से आएगी। हाँ, अगर उनकी फसल
कुदरती कारणों से या किसी कारण से ख़राब हो जाए तो मैं कहता नहीं, वरना तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ में तो कोई बदलाव नहीं आना कि एक्सपोर्ट नहीं होगा। जो लोग एक्सपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं उनको ये समझ आनी चाहिए कि जो प्याज 30-35 रुपए बिक रहा है और जाके रिटेल में 50 रुपए बिक रहा है, सरकार कैसे एक्सपोर्ट खोल देगी? कोई भी सरकार नहीं खोलेगी। तो एक्सपोर्ट जो नहीं होगा तो वो तो बढ़ेगा ही ना। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ 5 रुपए भी और तेज़ हो गया तो अफ़गानिस्तान से काफ़ी प्याज आएगा। अभी नहीं आ सकता, तैयार नहीं है, पर अगली 10 के बाद आएगा। पहले भी इक्का दुक्का आ सकती है, 2-4 आ सकती हैं, पर ज़्यादा नहीं आएंगी क्योंकि तैयार ही नहीं है। और उसके बाद तीसरा मैंने बताया कि कर्नाटका की प्याज आ जाएगी, अगस्त आखिर में नहीं आएगी, सितंबर शुरू में आ जाएगी। जब भी कोई चीज़ तेज़ होती है, फल या सब्ज़ी, तो किसान उसको एडवांस में लगाता है कि तेज़ी उसे मिल जाए। अगर तेज़ी है तो अगर वो अगेती लगाएगा, हमारे यहाँ अगेती कहते हैं इन एडवांस, तो एडवांस में जो तेज़ भाव होगा सबसे, उसके भाव पे उसका सामान बिकेगा। किसान को पहले ही आगाज़ हो जाता है तेज़ी। बिल्कुल। और इस बार सब किसानों के फ़ोन यही आ रहे हैं कि कोई 1.5 गुना, कोई 2 गुना, कोई 3 गुना लगा रहा है। तो मैं ये नहीं मानता। आ सकती है तेज़ी, मैं कोई इसमें अथॉरिटी नहीं हूँ, पर इन 3 अनुमानों के बाद जिसका जैसा दिल करे वैसा विचार बना ले। बाजार का उतार चढ़ाव और हर कमोडिटी के भाव में उतार चढ़ाव की हर अपडेट पर पैनी नज़र के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स। बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं मोइन गनी, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से।